हाय फ्रेंड्स, मु संजय सर्वप्रथम आपण मानको नमस्कार। ये देखंतु सीटीईटी एग्जामिनेशन 2020 पई आपण मानकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानक पई नै आछि। तो दया पूर्वक आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे, जमार भी स्किप करिबे नै। ता सहित जदि आम चैनल ले आपण माने सब्सक्राइब करना तो एबे सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, कारण आम जहाँ भी नुआ नुआ क्वेश्चन आनबु तो आपण माने सर्वप्रथम देखिपारे। चलंतु कौन रही प्रथम क्वेश्चन देखने वा। देखो प्रथम क्वेश्चन आपण मानक रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो एम भितर आपण कौ स्टेटमेंटा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भूल अच्छी, तो कौन हम यार सठिक आंसर आपण मैंने कमेंट सेक्शन में लिखतु। तो कौटा हम आपण मान चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपण मान रंग आंसर, तो कौन हो यार सठिक आंसर। तो आपण मान को कही रखुचे मन रखिए ऑप्शन नंबर सी जोटा कि आपण मान इवोल्यूशन इज डन टू प्रमोट दि चाइल्ड टू नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान कौन रही, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीए, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ऑप्शन अच्छी जॉन डुई, तापर अच्छे आपण मानकर फ्रुवेल, तापर अच्छे आपण मानकर रुसो, तापर अच्छे आपणकर हबर्ट। तो कौन हम यार सठिक आंसर, तो मन रखिए यार सठिक आंसर आपण मानकर जॉन डुई, ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक रही द फुल फॉर्म ऑफ सी बी एस ई, कौन हम यार सठिक आंसर आपण मैंने कमेंट सेक्शन में लिखतु। सी बी एस ई फुल फॉर्म टी आपण मानकर कौन हम देखंतु, यार सठिक आंसर आपण मानकर जोटा कि आपण मानकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखने वा देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी डिसिमिलारिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश, डिसिमिलारिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश, कौन हम यार सठिक आंसर आपण मैंने कहतु। तो डिसिमिलारिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ आपण मानकर एटा हो नेचर, प्रकृति ये हूँ गोटे प्रिंसिपल। ओके, तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखने वा देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान रही द स्किल्स इनवॉल्वड इन फॉर्मिंग यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द मेंटल इमेज इज कॉल्ड डैश, स्किल्स इनवॉल्वड इन फॉर्मिंग यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस इज कॉल्ड डैश। तो कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए यार सठिक आंसर आपण मानक ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आपण मानक स्पेशियल। ओके, स्पेशियल आपण मानक सठिक आंसर। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखने वा देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान रही हु परपोज द थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, हु परपोज द थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, कौन हम यार सठिक आंसर आपण मानकर ना मन रखिए यार सठिक आंसर आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि लुईस थ्रोस्टन। ओके, लुईस थ्रोस्टन हम यार सठिक आंसर। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखने वा देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानी रही हु वाज वन ऑफ द फास्ट फिजियोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन द इंटेलिजेंस, हु वाज द वन ऑफ द फास्ट फिजियोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। तो कौन हो यार सठिक आंसर ना आपण मैंने मन रखिए ऑप्शन नंबर ए जोटा कि आपण मान अल्फ्रेड बिनेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान कौन रही एम ए इन द फॉर्मूला ऑफ आई क्यू इज डैश, एम ए इन द फॉर्मूला ऑफ आई क्यू इज डैश, एम ए स्टैंड्स फॉर आपण मान कौन हम ना देखो आपण एम ए मेंटल एज जोटा कि आपण मान ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही आपण मान देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान को कहीदी देखु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मान रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इनकरेक्टली, निम्नलिखित मध्य आपण मान जो स्टेटमेंट गुड़ाक दे तो कौटा आपण मान डेवलपमेंट जोटा कि इनकरेक्ट। ओके, तो आपण मैंने निजे जजमेंट करूँ तो कौटा हो सठिक आंसर,
ऑप्शन गुड़ा गुटके भल भाव देखु और कमेंट सेक्शन में लिखु कौटा हो सठिक एनसर जोटा कि डेभलपमेंट पर इनकरेक्ट रही तो कौन हो सठिक एनसर ना आपरी रखुच्छी मन रखिए ऑप्शन नंबर बी जोटा कि एज द चाइल्ड ग्रोज अफ एंड बिकम्स आवर अफ आक्सेप्टेबल वेज अफ बिहेवियर दिस इज द पार्ट अफ कॉग्निटिव डेभलपमेंट यही आपण मानी डेभलपमेंट पर भूल अच्छी। तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक रही डैश वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड फिजियोलॉजी सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी डैश वाज ए स्विस फिजियोलॉजिस्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी निम्नलिखित मधुर किए हूँ आपणकर साइकोलॉजी जड़े आदि पिता बोली जनाशुना तो कौन हो सठिक एनसर ना मन रखिए यार सठिक एनसर आपर हो जीन पियाजेट जीन पियाजेट हूँ आपणकर साइकोलॉजिस्ट आदि पिता बोली आम जानती। आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण रही इमोशनल बैलेंस इनबैलेंस्ड सिचुएशन इज कॉल्ड डैश इमोशनल बैलेंस इनबैलेंस्ड सिचुएशन इज कॉल्ड डैश तो कौन हो सठिक एनसर आप कमेंट सेक्शन में लिखु तो देखो यार सठिक एनसर आपर जोटा कि आम कौन कहती मेंटल डिस्टर्बेंस बोली कहते ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपाई कौन रही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इनवल्वस सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एग्जांपल प्लानिंग रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा डैश इनवल्वस सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एग्जांपल प्लानिंग रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा तो कौन हो सठिक एनसर आपको देखो यार सठिक एनसर आपर हो मेटा कॉग्निशन ओके जोटा कि आपर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही द मरी एंड मॉर्गन डिजाइंड डैश मरी एंड मॉर्गन डिजाइंड डैश कौन हो यार सठिक एनसर ना देखो यार सठिक एनसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आपर थीमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही द टर्म माइंड मैपिंग मीन्स डैश द टर्म माइंड मैपिंग मीन्स डैश कौन हो यार सठिक एनसर आपर द टर्म माइंड मैपिंग मीन्स डैश देखो यार सठिक एनसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आपर द टेक्निक्स टू एनहांस द कंपेरिसन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही हु प्रोपोनेंट द ट्रिएक्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हु प्रोपोनेंट द ट्रिएक्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो कौन हो यार सठिक एनसर आपर कहतु कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ तो सठिक एनसर आपर कौन है देखो यार सठिक एनसर आपने रखिए जोटा कि आपणकर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ओके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आपर जो ट्रिएक्टिक थ्योरी आपके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखु नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग तो कौन हम कहतु यार सठिक एनसर आपर देखो यार सठिक एनसर ऑप्शन नंबर डी जोटा कि आपर नेचर ऑफ कंटेंट नेचर ऑफ कंटेंट हो सठिक एनसर तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा देखु नेक्स्ट क्वेश्चन आपची व्हाट इज द थियोरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म व्हाट इज द थियोरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कौन हम यार सठिक एनसर आपमेंट सेक्शन में लिखु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ଓନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୱାରଲ୍ଡ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ଫର୍ ଦ ସରି ହଁ କଣ୍ଟିପ୍ଲେନେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟିପ୍ଲେନେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଟୁ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସିସନ୍ ଆବିଲିଟି, ଆଉ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନସିଅସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କୋହଲର୍ସ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଓବେଜ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ବିଙ୍ଗ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ଟିଚର୍ ଦ ଡେପିକ୍ସ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କୋହଲର୍ସ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଓବେଜ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ବିଙ୍ଗ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ଟିଚର୍ ଦିସ୍ ଡେପିକ୍ସ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅବିଡ଼ିଏନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ରିଜିନ୍। କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମନେ ରଖିବେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କୋହଲର୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।